आज 12 जुलाई है। 12 जुलाई साल के सातवें महीने का 12वां दिन भारत और विश्व इतिहास में अपना एक खास महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। तो आइए नजर डालते हैं 10 जुलाई की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर। कप्तान जेम्स कुक ने आज के दिन 12 जुलाई 1776 में तीसरी और आखिरी यात्रा शुरू की थी। वो ब्रिटिश खोजकर्ता, अंग्रेजी नौसेना मानचित्रकार और खोजकर्ता, रॉयल सोसाइटी के सदस्य और रॉयल नेवी के कप्तान थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ की खोज की थी। उन्होंने अपनी तीसरी यात्रा के दौरान हवाई द्वीप समूह की भी खोज की। हिंदी फिल्मों के एक महान फिल्म निर्देशक बिमल राय का जन्म आज के दिन 12 जुलाई 1909 में हुआ था। उन्होंने अपनी फिल्मों में किसान, मध्य वर्ग और महिलाओं के मुद्दे को अहमियत के साथ उठाया। फिल्मी दुनिया में उनका सिनेमा बिमल रॉय स्कूल के तौर पर जाना जाता है। महज 55 साल की उम्र में 1966 को उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। 12 जुलाई 1961 में आज ही के दिन भारी बारिश से पुणे में नव निर्मित तानाजी सागर डैम की दीवार टूट गई थी। इससे डैम का सारा पानी पुणे शहर में घुस गया था। हादसे में कितने लोग मरे इसका सटीक आंकड़ा आज तक पता नहीं चला है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 1000 लोग मारे गए थे और लाखों लोग बेघर हो गए थे। 25 साल की नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई का जन्म आज के दिन 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान में हुआ था। मलाला पाकिस्तान की एक एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं, जिन्हें साल 2012 में तालिबान चरमपंथियों ने सिर में गोली मार दी थी। इस घटना के बाद मलाला बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई। 16 साल की उम्र में उन्होंने UN हेडक्वार्टर में शिक्षा में लैंगिक समानता की जरूरत पर भाषण दिया था। मशहूर पहलवान और हिंदी फिल्मों के एक्टर दारा सिंह का निधन आज के दिन 12 जुलाई 2012 में हुआ था। दारा सिंह का पूरा नाम दारा सिंह रंधावा था। दारा सिंह ने कुश्ती, फिल्मी के साथ साथ राजनीति में सफल पारी खेली। 1998 में BJP ज्वाइन करने के बाद 2003 में उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने वाले वो पहले खिलाड़ी थे। दारा सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो इतने फिट थे कि कभी बीमार नहीं पड़े। 12 जुलाई 2021 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।